दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। जिस वक्त समूचा देश, खासकर हमारे राजनेता भी अपने देश की बेटियों का कर्तव्य, उनकी कामयाबी उसको लेकर उछल रहे थे, काफ़ी बयान दे रहे थे कि टोक्यो में, जापान में, ओलंपिक के मैदान में हमारी बेटियां शानदार प्रदर्शन कर रही हैं, ठीक उसी दरमियान, उसी दौर में देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली कैंट के पुराना रंग इलाके में एक दलित परिवार की बेटी के साथ जुल्म व सितम का ऐसा दृश्य उस पर ढाया जा रहा था जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती, जिसे सोचकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे लोगों के। मैं उस घटना का पूरा ब्यौरा आपके सामने पेश नहीं करने जा रहा हूँ। न्यूज़ क्लिक ने और तमाम और यूट्यूब चैनल्स ने, अखबारों ने भी, कुछ एक अखबारों ने भी अच्छी रिपोर्टिंग की है। देश के सामने उस घटना का पूरा ब्यौरा आ चुका है। दोस्तों, हम कुछ सवाल आज खड़ा करना चाहते हैं कि आखिर इस तरह की घटनाएं जो होती हैं वो क्यों और कैसे न केवल हो रही हैं बल्कि अपने देश में लगातार बढ़ रही हैं। एक मजबूत सरकार जो कहती है अपने को कि वो मजबूत सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है, गरीबों की सरकार है, उस सरकार के कार्यकाल में अगर आप देखें तो मैं उसी सरकार के आंकड़े को बता रहा हूं कि देश में दलित औरतों पर जो रेप जैसे यानी बलात्कार जैसे जो अपराध हैं उनकी तादाद में 37% की बढ़ोतरी हुई है, 37% की। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, मौजूदा सरकार का आंकड़ा है। तो दोस्तों, ये तो हालात हैं। हाथरस में क्या हुआ था, महज एक साल पहले की बात है। हुआ ये था कि गैंग रेप के बाद लड़की को किसी तरह दिल्ली के अस्पताल में लाया गया था। कई दिनों तक वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। वह भी एक दलित बालिका थी, 19 साल की, ये तो 9 साल की लड़की थी दिल्ली कैंट वाली, लेकिन वो तो 19 साल की लड़की, और उसको जबरन जिस तरह दुर्व्यवहार उसके साथ किया गया था, उस लड़की की मौत जब हो गई, जो हत्या है, तो उसकी डेड बॉडी को जबरन पुलिस ने परिवार वालों से बिल्कुल उनको बताए बगैर उनकी आंखों में धूल झोंक कर उसको रातों रात जला दिया। उस वक्त कैमरा मौजूद था, कुछ एक कैमरों ने उस पूरी घटना को कैद कर लिया। लेकिन दिल्ली कैंट के मामले में शायद जो प्रोफेशनल मीडिया है उसकी नज़र राष्ट्रीय राजधानी की इस वारदात पर नहीं जा सकी, लेकिन पड़ोसियों ने, आसपास के लोगों ने जिस वक्त दलित बच्ची को दुर्व्यवहार के बाद, इस घटना का तो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है, लेकिन परिवार वाले गैंग रेप कहते हैं कि गैंग रेप के बाद, और पूरे इलाके के लोग कह रहे हैं, उस इलाके के, उन्होंने अपने बयान रिकॉर्ड किए हैं, मीडिया में हर जगह आई है बात, वो कहते हैं कि गैंग रेप के बाद बच्ची को मार डाला गया। और कुछ लोगों का कहना है कि उसको मारने से पहले ही जला दिया गया। अब इसमें क्या सच्चाई है, इन्वेस्टिगेशन का ये विषय है, लेकिन हमारा कहना है जो भी घटना हुई हो, जब उसे जलाया जा रहा था तो जलाने वाले परिवार के लोग नहीं थे। अगर उस लड़की की मौत हुई थी, उसका क्रिमेशन होना था, अंतिम क्रिया होनी थी, तो परिवार करता है, भारत में, दुनिया में कहीं भी परिवार के लोग करते हैं, लेकिन उसे जो कथित आरोपी हैं, जो एक्यूज्ड हैं, वही उसके साथ वो अंतिम क्रिया भी कर रहे थे उसकी, और परिवार वाले कहां थे, परिवार वालों को आने नहीं दिया जा रहा था। बड़ी मुश्किल के बाद इलाके के लोग जब गोलबंद होकर वहां पहुंचे, तब किसी तरह उन्होंने कुछ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसमें सहयोग नहीं किया। क्या माना जाए, क्या हाथरस में पुलिस बचाव में थी
अपराधियों के, तब तक वो बचाव में थी जब तक कि सीबीआई की रिपोर्ट न आ गई, चार्जशीट दायर न कर दी गई। उत्तर प्रदेश की पुलिस का ये आचरण दुनिया ने देखा, लेकिन दिल्ली में आखिर पुलिस क्या कर रही थी? क्या पुलिस जाने अनजाने कोलैबोरेट कर रही थी अपराधियों के साथ? क्या वजह है कि घर वालों को एक रात और दिन में थाने में रखा गया? आरोपियों को थाने में रखा जाता है, लेकिन यहां पर जो विक्टिम है, विक्टिम जो फैमिली है, उसको थाने में रखा गया। और ये बयान दिया है घर वालों ने, बकायदे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी जो रिपोर्ट्स आई हैं, अखबारों में भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें भी ये कहा गया है। और घर वालों को कहा गया कि अब तो तुम्हारी बेटी चली गई, अब उसको लेकर बाबेला मचाले से क्या मिलेगा। ये घटना राष्ट्रीय राजधानी की है, जहां पर कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी भारत की केंद्रीय सरकार की है, जिसके सर्वे सर्वा अमित शाह जी हैं, जो भारत सरकार में नंबर टू माने जाते हैं। ये हाल है। बहुत सारे लोगों का सोचना था निर्भया कांड के समय कि कड़े दंड प्रावधान हो जाने से बलात्कार जैसे बड़े अपराध रुक जाएंगे। दोस्तों, दुनिया का जो इतिहास है उसमें खासकर क्राइम और पनिशमेंट को लेकर जितने भी महत्वपूर्ण पड़ताल हुई है, जितने महत्वपूर्ण शोध हुए हैं, उन सब में माना गया है कि सिर्फ और सिर्फ दंड के कठोर होने से, कठोर दंड प्रावधान किए जाने से अपराध नहीं रुकता। अपराध रुकता है समाज को बेहतर बनाने से, समाज में असमानता को खत्म करने से, समाज में घृणा नफरत विभाजन की जो प्रवृत्तियां हैं उनको खत्म करने से, अपराध को शह देने वाली शक्तियों को कमजोर करने से। आप जानते हैं ये लड़की श्मशान गृह में, श्मशान जो श्मशान का पूरा परिसर था जहां पर शवदाह किया जाता है, वहां क्यों गई थी? वहां पानी के लिए गई थी, क्योंकि उसको घर में ठंडा पानी नहीं था। ये गरीब लोग हैं, बेहद गरीब लोग। उस बेहद गरीब परिवार की लड़की पानी के कारण वहां गई थी। इतने अभावग्रस्त परिवार की बेटी के साथ जुल्म किन लोगों ने ढाया, जिन पर आरोप है, जो इस घटना के एक्यूज्ड हैं, उसी श्मशान परिसर के एक पुजारी उसमें इन्वॉल्व है, एक्यूज्ड में, और तीन अन्य लोग, और उन सब की उम्र जो है 45 से 63 के बीच में बताई जाती है। तो ये जो आरोपी हैं, ये कहा जाता है कि बहुत दिनों से इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व थे। और दोस्तों, ये भी मैं बता दूं कि उसी श्मशान के परिसर में दो बलात्कार कांड और हो चुके हैं, जिनके एक्यूज्ड दूसरे हैं। हो सकता है कि कोलैबोरेट करने वालों में ये आरोपी हों जो आज के आरोपी हैं, ये भी हो सकता है, कौन जाने। लेकिन अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करती, पहले के बलात्कार कांडों में न्याय नहीं होता, तो कैसे माना जाए कि कोई भी आरोपी, कोई भी अपराधी वो न्याय की प्रक्रिया से डरेगा, भयभीत होगा? केवल अपराध में पनिशमेंट बढ़ा देने से लोग अपराध करना नहीं छोड़ते, जब तक कि समाज में न्याय न मिले, जब तक कि समाज में समानता न हो, जब तक कि समाज में एक दूसरे के प्रति नफरत, घृणा, विभाजन, इस तरह की प्रवृत्तियों को रोका न जाए, कम न किया जाए, मिनिमाइज न किया जाए। इसलिए आप पाएंगे कि दुनिया के उन देशों में जो सबसे अपराध मुक्त देश हैं, वो दरअसल सबसे खूबसूरत मुल्क भी हैं। समानता वहाँ ज़्यादा है, सबसे जहाँ कम असमानता है, जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ गैर बराबरी वाकई काफ़ी कम की जा चुकी है, जहाँ लोगों की हिस्सेदारी शासन में, प्रशासन में, समाज के अन्य गतिविधियों में है। लेकिन यहाँ तो चंद लोग हैं जो समाज चलाते हैं, और शेष लोग असमानता भरा एक बेहद खौफनाक समाज के विक्टिम बनते हैं। जिस समाज में उनको खुशहाली से जीना है, उस समाज में वो किसी तरह से गुजर बसर करते हैं। और दोस्तों,
आप याद कीजिए, कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में क्या हुआ था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में घटना 2020 के 5 जनवरी की है, और उस घटना में 36 लोगों को पीटा गया था, मारा गया था, लहूलुहान कर दिया गया था, कई लोगों के सर फूटे थे, यहाँ तक कि छात्र संघ के की जो अध्यक्ष थी और जो 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 पदाधिकारी और सब थे, काफ़ी लोगों को चोटें आई थी, गहरी चोटें आई थी। लेकिन आप चूंकि राजधानी की बात है इसलिए मैं याद कर रहा हूँ, और इसलिए भी याद कर रहा हूँ कि अभी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जिसका सेशन चल रहा है, उस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में सवाल किया गया था जेएनयू की घटना के बारे में, दयानिधि मारन ने किया था। क्राइम एंड पनिशमेंट का हाल आप देख रहे हैं, मंत्री ने स्वयं कहा है कि जेएनयू में जो घटना एक साल पहले हुई थी उसमें कोई अभी तक उसमें एक व्यक्ति की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कमाल की बात है। यह है विश्वगुरु, हम ऐसे विश्वगुरु देश में रहते हैं जहां पर इस तरह का खौफनाक अपराध जो भारत के सर्वोत्तम कहे जाने वाले विश्वविद्यालय के परिसर में घटित होता है, और वहां के क्राइम में, वहां के अपराध में जिसकी सीसीटीवी पर जो फुटेज हैं वो दिल्ली से लेकर वाशिंगटन तक न जाने कहां कहां दुनिया में देखा जा चुका है, लेकिन दिल्ली पुलिस का मजाल क्या कि वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले, डंडे लेकर, रॉड लेकर चलती हुई अपराधी चलते हुए अपराधी, उनमें लड़कियां, लड़के, नकाबपोश तमाम लोग, कईयों तो कह भी दिया कि हाँ मैं थे, हम वहां थे, लेकिन फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं। और बेशर्मी की हद की भारत सरकार वो स्वयं कह रही है कि हाँ एक भी गिरफ्तारी नहीं। अब आप क्या कीजिएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जहां पर गवर्नेंस का लेवल इतना गया गुजरा हो जाए, वहां हमारे देश के जो दलित उत्पीड़ित लोग हैं, समाज के सबसे सताए गए लोग, आखिर उनको न्याय दिलाने, उनके साथ मनुष्य की तरह व्यवहार करना कौन सीखेगा, कौन सिखाएगा, और कौन उनको आदमी की तरह मानेगा। जब जेएनयू के पढ़े लिखे संभ्रांत घरों के लड़के लड़कियों के साथ जो अपराध हुआ है उसका कोई भी कॉग्निजेंस नहीं लिया जा रहा है, तो उत्पीड़ित समाज के साथ क्या होगा, क्या उनको मनुष्य समझा जाएगा। तो दोस्तों, ये जो वारदात है, ये असंख्य जो वारदातें अपने देश में खासकर दलित महिलाओं के साथ होती हैं, इन वारदातों का एक बहुत खौफनाक ये एक दृश्य है, एक बहुत ही खौफनाक ये एक उदाहरण है। और मैं मानता हूँ कि इसको सिर्फ जो लोग समझते हैं कि फांसी दो ये नारे लगाने से ये ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं ख़त्म होने वाला है। दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में या बोट क्लब पर या कहीं भी, बोट क्लब पर तो अब जाने भी नहीं दिया जाता है, लेकिन आप कहीं भी जंतर मंतर पर चले जाइए, फांसी दो के नारे लगाइए, कुछ नहीं होने वाला है। जब तब तक नहीं होने वाला है जब तक दलित समाज के लोग, उत्पीड़ित समाज के लोग और मध्य वर्ग के लोग, समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग सब एकजुट होकर समाज को बेहतर बनाने, समानता का समाज बनाने, और घृणा, नफरत, एक दूसरे को अपने से कमज़ोर समझने, उनको अपने से नीचे का समझने का, जब तक ये जहरीली मानसिकता को हम काबू नहीं करते, और जब तक हमारे देश की सरकारें इस प्रकार की नहीं बनती जो न्याय को न्याय की तरह लें, जो ये न देखें कि अपराधी हमारा है इसलिए उसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे, वो नताशा नरवाल को जेल में डाल देंगे, वो किसी प्रोफेसर को, किसी डॉक्टर को, किसी इंटेलेक्चुअल को, किसी जर्नलिस्ट को जेल में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर उनका विरोधी है, आनंद तेलतुंबड़े, और कोई सबूत नहीं मिलेगा तो उसमें पेगासस जैसा कोई और जासूसी जो यंत्र है उसके जरिए वो खेल कर देंगे। उसके लैपटॉप में बहुत दिनों से कोई चीज अचानक चली जाएगी जो पता भी नहीं चलेगा कि उसके लैपटॉप में ये कोई मैटर कहां से आ गया, ये डॉक्यूमेंट कहां से आ गया, और उसे सबूत बनाकर वो कह देंगे कि ये तो यूएपीए जैसे संगीन अपराधों में ये इन्वॉल्व है, इनके आतंकवादी कनेक्शन है, इसलिए इनको हम गिरफ्तार करते हैं।
तो दोस्तों इस देश का इस समय जो निजाम है वो राजनीतिक लोगों को अपराधी और अपराधियों को राजनीतिक बनाने पर आमादा है। तो हमारा ये कहना है दोस्तों कि जब तक राजनीतिक तौर पर जो शासन चलाने वाले लोग हैं अगर वो राजनीतिक अपने से असहमत राजनीतिक व्यक्तियों को बौद्धिक व्यक्तियों को जब तक वो अपराधी बनाने में लगे रहेंगे और जब तक वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को राजनीतिक चेहरा देते रहेंगे तब तक हमारे देश में क्राइम का ये सिलसिला नहीं ख़त्म होने वाला है। चाहे आप पनिशमेंट जो भी घोषित कर दीजिए, चाहे कानून में जो भी तब्दीलियां ला दीजिए, कैंट का ये मामला बहुत गंभीर है। इसका जवाब सिर्फ समाज दे सकता है, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह का दिखाया है गवर्नेंस उसके कारण ही ये घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक घटनाएं इस तरह की होती हैं, ये NCRB का आंकड़ा बताता है। और मैंने बताया कि हाल के दिनों में 37% अपराध दलित महिलाओं पर रेप के बलात्कार के बढ़े हैं, 37%। ये क्यों बढ़े हैं इसका जवाब केवल समाज दे सकता है। समाज को जागना होगा, आवाज उठाना होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.